आज मैं आपके सामने एक एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न दिखाऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि उसको कैसे बनाते हैं। उसका उस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग सिंधी। तो सिंधी का पैटर्न आज मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से देखना। पहले मैंने एक जो कढ़ाई वाली फ्रेम आती है उसके ऊपर ये कपड़े को अच्छे से टाइटली इसमें फ्रेम कर दिया है। अच्छे से आपको टाइट फ्रेम करना होता है, नहीं तो फिर ये कढ़ाई ये लूज पे नहीं हो सकती। कोई भी कढ़ाई ना लूज फ्रेम पे नहीं होती है, तो इसको टाइटली आपको इस कपड़े को टाइटली फ्रेम करना होगा। उसके इसके ऊपर हम दो लाइन खींचेंगे, जितनी चौड़ी हमें ये कढ़ाई बनानी है, इस तरह से। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। ये हमारा पहला पैटर्न है, इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं, तो मैं आपको पहले से स्टार्ट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले कपड़े को फ्रेम के ऊपर हमें टाइटली बांधना है, उसके बाद इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये धागा आता है, ये सिंधी का धागा है, इस तरह से मार्केट में मिल जाता है, तो मैंने इसी धागे से किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से, फिर इसके अपोजिट जाना है, इस डायरेक्शन में, दूसरे जिस लाइन से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अपोजिट लाइन पे इस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से आपको इसको करना है। ध्यान से देखिए, सुई के हमेशा उल्टी तरफ से आपको जो भी नेडल है वो इस तरफ से डालनी है, और इस तरह से डालनी है। फिर आपको वापस उस लाइन पे आना है जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया था। इस तरह से क्रॉस करना है आपको, इस तरह से बनना चाहिए। ये दिख रहा है पैटर्न, इस तरह से आपका बनना चाहिए। तो हम फिर यहाँ वापस इसी पे आएंगे, फर्स्ट लाइन पे, और हमेशा सुई जो पीछे की तरफ से इसमें डालनी है। यहाँ भी इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। आप देखिए, ये सारे पैटर्न हम इसी डिजाइन में बना लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का ये बन जाएगा। ये मेरा पहला स्टेप है। फिर अब हम इसे फिल कर लेंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इन सबको हम फिल करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये यहाँ आके आपका ये बंद हो जाएगा। इसको पहले बंद कर देते हैं इस तरह से। देखा आपने, ये बंद हो गया। अब हम इसको फिल करेंगे। ये इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। इसको फिल कैसे करेंगे, जो धागा हमारा ये नीचे के साइड रहेगा, आप देखो, जो धागा ये नीचे के साइड रहेगा, नीचे से दबा हुआ रहेगा, उसी में कढ़ाई होगा। तो ये देखिए, ये धागा आपका ऊपर से है, ये धागा ऊपर से है, और ये धागा नीचे साइड से, तो इसमें कढ़ाई होगी। तो ऐसे इस तरह से हम इसमें नीडल को डालेंगे, और ये देख रहे हो नीचे वाले को, ये मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये जो नीचे वाला धागा है इसमें ये इस तरह से ये डल जाएगा, और फिर ये
इस तरह से, ये देखो इस तरह से हमें इसको फिल करना है। फिर नेक्स्ट में हम आएंगे, फिर जो धागा हमारा नीचे है, ये धागा ऊपर साइड में है और ये धागा नीचे साइड में है, तो नीचे साइड से हम अपने निडल को उसमें डालेंगे और इससे ऐसे बाहर निकालेंगे। ये जो नीचे साइड धागा है, ये नीचे साइड जो धागा है, उससे ऐसे निडल को हम बाहर निकालेंगे। और फिर ये जो हमारा दबा हुआ पार्ट है उसको निकालेंगे, ये जो है ना, इसको इस तरह से, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम, ये हमारा दबा हुआ है तो इसी तरह से हम सारे पैटर्न फॉलो करेंगे। जो दबा हुआ पार्ट है, जो नीचे की तरफ धागा है, हमेशा उसमें से ही डिज़ाइन बनेगा, इस तरह से, इस तरह से ये डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। आप देखो, फिर हम ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक तरफ की ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये ऊपर साइड की लाइन को कंप्लीट करूंगी। दिख रही है ये आपको, ये एक तरफ की कंप्लीट हो गई है, अब मैं दूसरी तरफ की कंप्लीट करूंगी। तो चलिए, दूसरे साइड में भी हमें वही देखना है कि कौन सा धागा आपका नीचे के साइड है। देखिए, ये धागा जो है ना, ये वाला धागा, जो धागा नीचे दबा होगा ना, आपको उसी के अंदर से निडल को निकालना है, इस तरह से, इस तरह से। और फिर ये धागा हमारा नीचे के साइड है, देखिए ये वाला धागा नीचे के साइड है, तो इसके अंदर से ऐसे निडल निकालेंगे और ये इस तरह से होगा। फिर ये धागा हमारा जो है वो नीचे के साइड है, ये वाला धागा, फिर इसमें से इसको निकालेंगे और फिर इसके अंदर एक धागा दबा हुआ है, उसको भी निकालेंगे। देखिए, ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ एक धागा जो अंदर से एकदम दबा हो, ये धागा हमारा देखिए एकदम अंदर था, मैंने उसको निडल की हेल्प से बाहर निकाला। फिर इस तरह से ये डिज़ाइन ऐसे ही बनते हुए चला जाएगा आपका, ये देखिए। फिर ये दबा हुआ है, इस तरह से आपको फॉलो करना है पैटर्न। ये आपका दबा हुआ धागा है, इसको बाहर निकालना है, और ये आपका दबा हुआ धागा है जो बिल्कुल ही अंदर है, इसको इस तरह से आपको फॉलो करना है। आप देखो, इसको इस तरह से, ये इस तरह से हुआ। फिर दबा हुआ धागा ये है, ये इस तरह से। आपको याद रखना है कि आपने जहां से भी इसका कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी शुरू की थी इस पैटर्न की, ये वहीं जाके खत्म होगा। अगर आपका पैटर्न कहीं और खत्म होता है तो आपने कहीं मिस्टेक किया, गलती की, इसलिए आपका पैटर्न कहीं और ख़त्म हो रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इस तरह से आके मेरा पैटर्न यहीं ख़त्म होगा। तो इस तरह से मेरा पैटर्न चल रहा है। अब देखो, इस तरह से जो भी नीचे वाले धागे हैं, हमेशा मैंने कढ़ाई उसी से की है। इस तरह से आप देख सकते हो, जो भी पैटर्न है, जो भी मैंने किया है, वो सब नीचे वाले के धागे से स्टार्ट किया है। ये देखो, ये मैंने यहीं से स्टार्ट किया था अपना कढ़ाई, और मेरा कढ़ाई ये यहीं आके ख़त्म हो जाता है। तो
ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहीं बंद कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बना है और ये बहुत इजी है। अगर आप समझ जाओगे कि जो भी इसमें नीचे की तरफ से धागे हैं आपको हमेशा वही ऊपर लेना है और ये डिज़ाइन बनके आपका तैयार हो जाएगा। इससे सूट साड़ी कुछ पे भी बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो, पर्दे बना सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये था मेरा पहला, ये पहला स्टिच है मेरा, ये फर्स्ट स्टेप बोलते हैं सिंधी की कढ़ाई का। तो आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।